कोर्ट में टॉस हो चुका है और टॉस जो जीता है वो जीता है हरियाणा ने। दोस्तों कोर्ट चूज किया है हरियाणा ने, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। हरियाणा बनाम लखावटी बुलंदशहर का मुकाबला, इधर बुलंदशहर लखावटी की टीम और इधर टीम है हरियाणा की टीम। जबरदस्त मुकाबला ये शाहिया वैली कबड्डी टूर्नामेंट का। गेम स्टार्ट हो चुका है भाई, पहली रेड नवनीत द्वारा। नवनीत जयपुर पिंक पैंथर का खिलाड़ी भाई है भाई, नवनीत यू मुम्बा का खिलाड़ी भाई। ये गेम स्टार्ट हो चुका है, पहली रेड नवनीत द्वारा। क्या अटेम्प्ट स्वीकार किया जाएगा, राइट कॉर्नर को कर दिया है बाहर पहली रेड में। ये भाई तीन नंबर के साथ साहुल कुमार राइट कॉर्नर पर, क्या टू टच किया है भाई। शोमन राहुल चौधरी भी इस टीम में भैया भाई, पहली रन दर्शकों का जोश बेहतरीन। ये भैया भाई गेम, ये भाई स्पीड के लिए माहिर शोमन राहुल चौधरी। एम्प्टी रेड के साथ पहली रेड में ये भाई बिल्कुल, ये मैच ऐसा मैच है, देखो कोर्ट भी हिल गया बिल्कुल। साहुल कुमार पर अटेम्प्ट किया है बिल्कुल, और राइट कॉर्नर साहुल कुमार को बाहर कर दिया है। ये भाई नवनीत एक बार फिर, स्कोर भी बिल्कुल देखो बराबर चल रहा है भाई, एक एक बराबर। नवनीत बेहतरीन रेड भाई, ये लड़का, ये दोनों पॉइंट अभी तक जो आए हैं, एक बार लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया, एक बार राइट कॉर्नर को बाहर किया। ये भी बेहतरीन खिलाड़ी है भाई, आठ नंबर के साथ। और फिर राहुल चौधरी शोमैन भाई, भाई ये खिलाड़ी जिस टाइम अपने चरम पर था ना, भाई गेम बड़ा बेहतरीन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से राहुल चौधरी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है विश्व कप में। एक बार फिर राहुल चौधरी, क्योंकि राहुल चौधरी के साथ खिलाड़ी है और भाई राहुल चौधरी एक बार फिर पांच नंबर दर्शित है। और मैं बता रहा था कि हमारे गांव में, हमारे निकटवर्ती गाँव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही हमने बचपन से ही कबड्डी खेली है, और उसके बाद ये शीर्ष प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, हमारे प्रदेश का, हमारे राज्य का नाम रोशन करवाने के साथ साथ इन्होंने भाई ये टीम बड़ी बेहतरीन टीम है दोनों ही, हरियाणा वर्सेस लखावटी में से मुकाबला चलता हुआ, यही साथ ही और दूसरों के लिए भी आदर्श बन गए। थर्ड रेड टू हाई रेड है, आगे गुलाब की दिखाई है,
कोतवालियों को बाहर किया है और बिल्कुल हरिंदर और शाहुल को बाहर कर दिया है इस रेड में। भाई ये लड़का कमाल का रेडर है, ये भी नवनीत यार, ये नवनीत भी कमाल का है और दो फिर एक बार गेम स्टार्ट। भाई ये भाई सारे मुकाबले बेहतरीन मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ गलती हरिंदर की, ये हरिंदर की गलती है भाई। स्कोर बराबरी पर, तीन तीन की बराबरी पर स्कोर। एक हर्ट का हमारा राइट कॉर्नर को बाहर कर दिया भैया। भाई नितिन रावल क्या यहाँ बाहर किया है और बिल्कुल बाहर कर दिया, चार नंबर खिलाड़ी। भाई चाहे निर्णय कुछ भी निकले मैच का, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा चल रहा है। ये नवनीत का कमाल है और एक बार फिर स्कोर बराबर, जैसा मुकाबला बेहतरीन कोर्ट में सही मुकाबला बोर्ड पे चल रहा है भाई। भाई राहुल चौधरी शो मैन एक बार फिर रेड में। बोनस का अटेम्प्ट है, क्या स्वीकार करेंगे और बिल्कुल स्वीकार किया है। भाई ये नितिन रावल है, बेहतरीन खिलाड़ी है, सारे प्रो स्टार से सजी हुई टीम है भाई ये, दोनों ही टीम है। और क्या यहाँ पर है? ये है हरिंदर का मजबूत डिफेंस, वन वन ईच। नितिन रावल को बाहर कर दिया, पर हरिंदर ने कमाल कर दिया है। और ये लखावटी का फुल स्क्वाड भरा हुआ है प्रो कबड्डी स्टार से भाई। राहुल चौधरी सोमैन पुनेरी पंडल के लिए शिरकत करते हैं। पांच का डिफेंस, बेहतरीन डिफेंस। ये देखना होगा क्या यहाँ पर कामयाब होता हुआ डिफेंस, पहली बार राहुल चौधरी को बाहर कर दिया है। और फिर यहाँ कमाल करती हुई डिफेंस लखावटी का, स्कोर बराबर था 7-7 और अब हो गया है 8-7 स्कोर। भाई पूरा मुकाबला मिलेगा आपको अपने चैनल पे। ये भाई नवनीत पांच खिलाड़ी कोर्ट में, पंद्रह पांच पंद्रह का मुकाबला है। सात का स्क्वाड, फुल स्क्वाड, फुल डिफेंस, क्या करेगा यहाँ कमाल। ये खिलाड़ी भाई नीरज नरवाल की याद दिलाता है, नीरज नरवाल भी लखावटी की तरफ से खेल चुके हैं कई बार। भैया यहाँ पर हरिंदर पर वार किया है, बिल्कुल धराशाई कर दिया है, सेंटर पर वार किया।
और सेंटर को कर दिया धराशायी। फिर शोमैन राहुल चौधरी एक बार पांच नंबर विकेट के साथ बहुत मजबूत खिलाड़ी है भाई ये। और बिल्कुल यहां भी सेंटर को और एक पॉइंट, फिर स्कोर 9-8 एक पॉइंट की बढ़त के साथ है इस समय। ये तोमर जी गौतम जी है, आप इनको प्रो कबड्डी में भी देख चुके हैं, सभी जगह कमेंट्री करते हैं। मुकाबला स्टार्ट हो चला है भाई, टाइम आउट लिया गया था। ये डिफेंस है शाहुल का जबरदस्त अटेम्प्ट और पूरी टीम ने दिया साथ, बिल्कुल बाहर कर दिया है। राहुल चौधरी सोमैन एक बार फिर जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त बेहतरीन गेम, शाहिया क्रीड़ा ओवैली में चलता हुआ ये पहाड़ी की वादियों में टूर्नामेंट, बहुत गजब का मुकाबला चल रहा है भाई। एक लाख इनाम राशि का टूर्नामेंट है ये। लेकिन ये गलती, वही गलती की है शाहुल कुमार ने जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और स्कोर देखो बिल्कुल जैसा गेम कोर्ट में चल रहा है ऐसा ही गेम बोर्ड पे चल रहा है भाई। 10-9 नवनीत, ये नवनीत यू मुंबई के लिए खेलते भाई। क्या यहाँ होगा भार, और इस बार भार बिल्कुल होगा। स्कोर लेवल लेवल 10-10 स्कोर भाई, टीम भी बेहतरीन। ये भाई नितिन रावल, पांच खिलाड़ी कोर्ट में, बहुत मजबूत है कॉर्नर दोनों ही टीमों के। एक तरफ पांच का स्क्वाड, एक तरफ छह का स्क्वाड, और ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। दर्शकों से भर पूरा टूर्नामेंट का जो कोर्ट है, पूरा जो ग्राउंड है, बिल्कुल कहीं भी जगह नहीं है। देखो बिल्कुल, देखो कहीं भी, जहां भी दिखाऊं, मैं छत पे दिखाऊं, नीचे दिखाऊं, सभी जगह कोर्ट बिल्कुल भरा हुआ है, ग्राउंड भरा हुआ है। और ये देखो, और एक बार गेम फिर स्टार्ट, राहुल चौधरी शोमैन एक बार फिर शोमैन, क्या करेंगे कमाल। चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे, और ये यहाँ क्या कमाल होगा, लेकिन नहीं भाई, बेहतरीन रेड की थी, अगर यहाँ पर निकलते तो आधी टीम को बाहर कर देते भाई। नितिन रावल और यहाँ भी भाई, एक तरफ टैकल होता है तो दूसरी तरफ भी टैकल, और स्कोर दोबारा 11-11। मुकाबला बेहतरीन कड़ा और जबरदस्त गेम चलता हुआ, जैसा कोर्ट में ऐसा ही बोर्ड पे। शाहुल कुमार रेड में शिरकत करेंगे भाई। बोनस का प्रयास किया है, और यहां पर देखना होगा, बिल्कुल बोनस स्वीकार किया है नितिन रावल भाई। सारी टीम प्रो स्टार की टीम है दोनों ही तरफ भाई। स्कोर एक बार फिर हो चला है बराबर 12-12। शाहुल कुमार बोनस लेकर आए थे, एक बार फिर करेंगे शिरकत। जबरदस्त मुकाबला, शाहुल कुमार बेहतरीन कॉर्नर करते हैं, जाटर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर भाई दो रेड
दोनों सक्सेसफुल रेड, एक बार बोनस और एक बार टच पॉइंट। स्कोर हो गया है 13-12 भाई, 5 का स्कोर बनाम 4-6 का स्कोर। 5 खिलाड़ी कोर्ट में, लंबा रेस ये यहाँ पर कश्मीर वादे भी होंगे और रेडर सेल्फ आउट हुआ है भाई, यहाँ रेडर सेल्फ आउट है। रेफरी साहब का निर्णय मानना होगा, ग्रीन कार्ड दिखाया है 2 नंबर को। मध्यांतर हो चला है और स्कोर 14-12 2 पॉइंट की लीड के साथ है लखावटी। भाई दर्शकों से भरा हुआ एकदम ये कोर्ट, बहुत जनसंख्या, भारी स्क्वाड के साथ दर्शक यहां पर मौजूद है भाई। ये भाई पूरी शिरकत करते हुए, ये राहुल चौधरी अपनी बुलंदशहर लखावटी की टीम के साथ, भाई पूरी टीम बेहतरीन मजबूत जोश के साथ है, 2 पॉइंट की बढ़त है मध्यांतर तक। बिल्कुल दर्शक भाई शांत मुद्रा में एकदम, जैसा गेम चल रहा है बेहतरीन, दर्शक भी ऐसे ही शांत बैठे हुए हैं बिल्कुल भाई। ये पहाड़ की वादियों में चलता हुआ शाहिया वैली टूर्नामेंट, ये भाई पूरा एकजुट हो गया है, ये हमारे यूपी योद्धा के कोच हैं, ये स्क्वाड पूरा फुल हो गया है, जैसा गेम चल रहा है भाई। मध्यांतर के बाद फिर गेम स्टार्ट होता हुआ भाई, पहली रेड में हरियाणा की तरफ से, ये भाई बेहतरीन खिलाड़ी है ये 8 नंबर किट के साथ। जबरदस्त मुकाबला भाई, बेहतरीन, और यहाँ प्रयास है लेकिन कटा हुआ है पैर, और ये प्रयास है लेकिन रेफरी साहब का निर्णय आना बाकी है भाई। और रेफरी साहब सुपर रेड है ये, जो बढ़त एक समय 2 पॉइंट की थी लखावटी की, वो बढ़त हो चली है हरियाणा की 1 पॉइंट की, स्कोर 15-14 सुपर रेड की थी। रेड में क्या करेंगे कमाल, फिर देखने को मिलेगी सुपर रेड इस बार लखावटी की तरफ से। क्या बारिश का प्रयास है, बिल्कुल बहुत अंदर तक बह रहा है, देखना होगा बारिश दिया है, स्कोर बराबर 15-15 सुपर टेकल ऑन है, और यहां देखना होगा ये हुआ है सुपर टेकल, ये दर्शकों का कमाल भाई, जोश बिल्कुल देखते ही बनता है। और जो लीड अभी 1 पॉइंट की हरियाणा के पास थी, वो अब लीड हो गई है 2 पॉइंट की फिर लखावटी के पास। शोमैन राहुल चौधरी फिर शोमैन, ये गर्म होता हुआ खिलाड़ी, बिल्कुल भाई शांति छा गई है मुकाबले में, शोमैन राहुल चौधरी का कमाल है। पुनेरी पंटल के लिए इस समय काम कर रहे हैं यूपी में, इस समय काम कर रहे हैं, और यहां 4 खिलाड़ी कोर्ट में, यह लंबा प्रयास और बिल्कुल डैश कर दिए गए हैं, बेहतरीन लखावटी बैकफुट से उठकर जो एक लीड थी 1 पॉइंट की हरियाणा की, उसको खत्म करते हुए 3 पॉइंट की लीड में इस समय लखावटी बुलंदशहर। राहुल कुमार और ये फिर यहां पर ये लीड बढ़ती हो जा रही है, मध्यांतर के बाद लखावटी का कमान, ये दर्शकों का जोश, बिल्कुल भाई बेहतरीन मुकाबला। लखावटी बुलंदशहर का कमाल है शोमैन, और राहुल चौधरी का कमाल है, पूरी टीम का है धमाल, और शाहिया वैली में करता हुआ उड़ता हुआ ये गर्दा तूफान। तो
भाई ये मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। ये मैच शाहिया वैली के जो ये सांस्कृतिक समारोह क्रीड़ा है इसके इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ये मैच जैसा मुकाबला चल रहा है शायद फाइनल में भी नहीं मिलेगा ऐसा मुकाबला आपको, जैसा मुकाबला हरियाणा बनाम लखावटी वुलेन से चल रहा है। ये बेहतरीन, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। अब लीड हो चली है 4 पॉइंट की 15-19। जयपुर पिंक पैंथर के लिए खेलते हैं साहुल कुमार, लेकिन इस समय शिरकत कर रहे हैं बुलंदशहर के लिए। हरियाणा की वादियों में ये बुलंदशहर का परचम लहराता हुआ, क्या ये फाइनल के 1 लाख तक, ये डुअल डायरेड है, थर्ड रेड, और ये भाई और ये जबरदस्त छलांग थी, बेहतरीन उछाल, लेकिन ये पूरी टीम एकजुट होकर काम करती हुई। लीड हो गई है अब 5 पॉइंट की। ये भाई बुलंदशहर का परचम लहराती हुई टीम, ये भाई पूरी टीम स्क्वाड में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लखावटी बुलंदशहर वर्सेस हरियाणा। और ये टीम बेहतरीन टीम है दोनों ही टीम, लेकिन पूरे स्टार से, ये भी टीम प्रो स्टार से सजी हुई है भाई। एक बार फिर राहुल चौधरी सोमन शिरकत करेंगे, इधर भी डुअल डायरेक्ट है और ये अंदर तक मारा है घुस के, और राहुल चौधरी का कमाल स्वीकार किया है भाई। मध्यांतर के बाद चार्ज हो गई है लखावटी, पूरी टीम बिल्कुल चार्ज जैसे बैटरी चार्ज हो गए उजाला करती है ज्यादा, ऐसे यहां पर बिल्कुल उजाला किया है लखावटी बुलंदशहर ने। यहाँ भाई दो खिलाड़ी कोर्ट में हैं, क्या यहाँ सुपर टैकल होगा? अगर सुपर टैकल होगा तो लीड 6 से घटकर रह जाएगी मात्र 4 पॉइंट की। राहुल चौधरी सोमैन, और ये पूरी टीम धराशाही, और यहाँ लीड बढ़कर, ये दर्शकों का कमाल है, दर्शकों का धमाल है भाई। ये बुलंदशहर का बिल्कुल प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शक साथ देते हुए पूरी टीम हरियाणा की इधर, लेकिन भाई ये ऑफिशियल ऑल आउट हो गई है, और जो अब लीड है वो लगातार बढ़कर 10 पॉइंट की हो चली है। यहां से सफर आसान हो जाएगा लखावटी का। नवनीत भाई रेड में, यार कमाल कर दिया है इस टीम ने, जो लगातार लीड बराबर थी ना 15-15, उस टाइम 15-14 था एक टाइम स्कोर, और भाई मैं आपको कोर्ट पे ले चलूंगा, बोर्ड पे ले चलूंगा, एक समय 15-14 था स्कोर, और अभी स्कोर है 28-15, मतलब 15-14 स्कोर और 28-15, तो देख लो, दिखाऊं मैं आपको, ये लगातार जो 14 पॉइंट लिए है ना लखावटी ने, कमाल का अटेम्प्ट दिखाया है, और जिसमें पूरा श्रेय जाता है राहुल चौधरी को, पूरी टीम एकजुट होकर खेलती हुई, लगातार 14 पॉइंट लिए है भाई, 15 से 16 नहीं हुआ है, लेकिन यहां राहुल चौधरी को किया है बार। अब जो एकमात्र पॉइंट बढ़ा है वो अब बढ़ा है भाई आके, नवनीत 6 नंबर के साथ। और ये हम पर फिटनेस है, और ये बिल्कुल जबरदस्त 1 पॉइंट। थर्ड रेड में नवनीत है, यू मुम्मा प्लेयर, ये नवनीत बेहतरीन खिलाड़ी भाई, लंबा खिलाड़ी, और गेम भी उसी तरह का है।
बहुत जबरदस्त गेम है इस लड़के का भाई। अरे हमर देखना होगा, बिल्कुल डैश, जबरदस्त अटेम्प्ट और बेहतरीन टैकल। ये बेहतरीन पकड़ है अरिंदर का, कमाल है। और स्कोर हो गया है 17-30, भाई 13 पॉइंट की बढ़ाते हैं अभी भी। दोस्तों ऐसा मुकाबला ये स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा, लेकिन जैसा पहले मुकाबला चल रहा था मध्यांतर से पहले बिल्कुल बराबर, एक दो ऊपर नीचे था, लेकिन मध्यांतर के बाद राहुल चौधरी का कमाल शोमैन, राहुल चौधरी का शो चालू हुआ, राहुल चौधरी का शो चालू हुआ और गेम बिल्कुल एकदम बुलंदशहर लखावटी के पाले में। 5 मिनट का समय शेष है, लेकिन क्या और किए है, ये है सोमन चौधरी का कमाल, ये है पंगा न लेने वाला कमाल। भाई ये टीम शायद देखने को मिलेगी आपको फाइनल में, मंजीत जो कि पटना पायरेट से खेलते हैं उसके साथ ही पूरा स्क्वाड है प्रोकोपटी का, वहां देखने को मिलेगी लखावटी की टीम, शायद देखने को मिले अगर फाइनल से पहले उनका मैच नहीं होता है तो। सुपर टैकल ऑन है, क्या कमाल करेंगे चौधरी शोमैन, राहुल चौधरी शोमैन दोबारा शो दिखाएंगे अपना। जो बढ़त है इस समय 14 पॉइंट की है। भैया भी डोर राइड हेड, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है, ये है डू हटाई। यहां पर जबरदस्त अरिंदर का अटेम्प्ट, बेहतरीन टैकल, एंकल होल्ड किया था, दो खिलाड़ी कोर्ट में। नवनीत लखावटी बुलंदशहर की तरफ से शिरकत करते हुए, क्या यहां वापसी होगी, लेकिन नहीं, ये वापसी हुई है हरियाणा की। सुपर टैकल किया है, बेहतरीन सुपर टैकल और 2 पॉइंट, 32-19 स्कोर। ये बेहतरीन गेम चलता हुआ, बेहतरीन मुकाबला, मैं आपको लेके चलूंगा। ये दर्शक भी शांत, बिल्कुल मुकाबला बेहतरीन है। ये भाई पूरा स्क्वाड एक्स्ट्रा प्लेयरों का, लीलू भाई ये लक्ष्य है और ये अपना भाई इस्लाम की पहचान बनाना बाकी है। भाई मुकुल है, ये 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा में बैठे हुए, ये नवनीत यू मुंबा प्लेयर ये बाहर बैठे हुए हैं आउट होने के बाद। बेहतरीन मुकाबला, दर्शक बिल्कुल शांत मुद्रा में, यही टीम नहीं और भी टीम और यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ ये पूरा स्क्वाड जो टीम अच्छा खेलेगी, ये भरा हुआ ऊपर एनसीसी के टाइटल को लेकर जाएगी। अभी तो टूर्नामेंट में बड़े निचोड़ वाले मैच बच रहे हैं, अभी कहीं जीत बाकी है, 2 मिनट बचे हैं भाई जी। ये भाई सभी शाहिया वैली के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर, ऑफिशियल मंच है ये, इधर भी मुकाबला चल रहा है बेहतरीन, ये पहाड़ की वादियों में होता हुआ टूर्नामेंट भाई, बिल्कुल ये बड़ा बहुत है भाई। 32-19 यहाँ पर कबड्डी का शानदार ये मुकाबला चल रहा है, समय काट रहे 3 पॉइंट की बढ़त है, क्योंकि जानते हैं सुबह मॉर्निंग टाइम कम है, मात्र 3 मिनट बचे हुए हैं, वो सिर्फ समय काटने की कोशिश करती है। और फिलहाल डू और डाई, ये भाई नितिन रावल डू और डाई में, 1,11,000 भाई, एक और टूर्नामेंट देखने को मिलेगा आपको 1,11,000 का,
यहाँ से मात्र 6-7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर और बेहतरीन कमाल। ये लास्ट मोमेंट लास्ट छड़ चलता हुआ 14 पॉइंट की लीड कवर कर पाएगा क्या हरियाणा, लेकिन नहीं। ये भाई खिलाड़ी कमाल का, लोगों का प्यार, लास्ट मिनट बाकी। ये पूछी भाई सुपर टैकल ऑन है क्या, दोनों को एक साथ करेंगे। और तो देख रहा होगा वन वन ईच भाई, रेडर सेल्फ आउट हो गए थे पहले ही और हाथ लगाया वन वन ईच है और ये लास्ट खिलाड़ी बचा हुआ है और दो पॉइंट ये भाई लास्ट रेड होगी शायद, अगर समय बच गया तो एक और रेड होगी और जो लीड है वो है 15 पॉइंट की। बेहतरीन मुकाबला भाई। गौतम जी ये प्रो कबड्डी में कमेंट्री करते हैं। ये बराबरी पर मुकाबला हो गया, ये जीत गया यहाँ पर लखावटी बुलंदशहर।